नमस्कार दोस्तों, पुनर्नवा जो बनाए आपके शरीर को नया, जो अपने रक्तवर्धक एवं रसायन गुणों द्वारा संपूर्ण शरीर को अभिनव स्वरूप प्रदान करे, वह है पुनर्नवा। इसे हिंदी में साठी, साठ, गधा पुरना, विष खपरा, गुजराती में साटोड़ी, मराठी में घेटुली तथा अंग्रेजी में हॉन्ग वीट नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इसे आपके इलाके में क्या बोली जाती है, आप मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताएं। मूंग या चने की दाल मिलाकर इसकी बढ़िया सब्जी बनती है, जो शरीर की सूजन, मूत्र रोगों, हृदय रोगों, दमा, शरीर दर्द, मंदाग्नि, उल्टी, पीलिया, रक्तअल्पता, यकृत व प्लीहा के विकारों आदि में फायदेमंद है। इसके ताजे पत्तों के 15 से 20 मिलीलीटर रस में चुटकी भर काली मिर्च व थोड़ा सा शहद मिलाकर पीना भी हितावह है। भारत में यह सब्जी सर्वत्र पाई जाती है। पुनर्नवा का शरीर पर होने वाले रसायन कार्य देखो। दूध, अश्वगंधा आदि रसायन द्रव्य रक्त मांसादि को बढ़ाकर शरीर का बल वर्धन करते हैं, परंतु पुनर्नवा शरीर में संचित मलों को मल मूत्र आदि द्वारा बाहर निकालकर शरीर के पोषण का मार्ग खुला कर देती है। बुढ़ापे में शरीर में संचित मलों का उत्सर्जन यथोचित नहीं होता। पुनर्नवा अवरुद्ध मल को हटाकर हृदय, नाभि, सिर, स्नायु, आंतों व रक्तवाहिनियों को शुद्ध करती है, जिससे मधुमेह, हृदय रोग, दमा, उच्च रक्तचाप आदि बुढ़ापे में होने वाले कष्टदायक रोग उत्पन्न नहीं होते। यह हृदय की क्रिया में सुधार लाकर हृदय का बल बढ़ाती है, पाचाग्नि को बढ़ाकर रक्त वृद्धि करती है। विरुद्ध आहार व अंग्रेजी दवाओं के अतिशय सेवन से शरीर में संचित हुए विषैले द्रव्यों का निष्कासन कर रोगों से रक्षा करती है। बाल रोगों में लाभकारी पुनर्नवा शरबत है। जैसे पुनर्नवा के पत्तों के 100 ग्राम स्वरस में मिश्री चूर्ण 200 ग्राम व पिपली अर्थात पीपर चूर्ण 12 ग्राम मिलाकर पकाएं तथा चाशनी गाढ़ी हो जाने पर उसको उतार के छान कर शीशी में रख लें। इस शरबत को 4 से 10 बूंद की मात्रा में आयु अनुसार रोगी बालक को दिन में 3 से 4 बार चटाएं। खांसी, श्वास, फेफड़ों के विकार, बहुत लार बहना, जिगर बढ़ जाना, सर्दी जुखाम, हरे पीले दस्त, उल्टी तथा बच्चों की अन्य बीमारियों में बाल विकार शामक औषधि कल्प के रूप में इसका उपयोग लाभप्रद है। दोस्तों, इसके और भी अनेक औषधीय प्रयोग हैं, पर उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, नेत्रों की फूली में पुनर्नवा की जड़ को घी में घिसकर आंखों में आजे। अगर नेत्रों में खुजली हो रही है तो पुनर्नवा की जड़ को शहद या दूध में घिसकर आंख में आजे। नेत्रों से अगर पानी गिर रहा हो तो पुनर्नवा की जड़ को शहद में घिसकर आंखों में आजे। पेट के रोग हो अगर तो गोमूत्र एवं पुनर्नवा इन दोनों का रस समान मात्रा में मिलाकर पिएं, पेट के समस्त रोग दूर हो जाएंगे। गैस होने पर 2 ग्राम पुनर्नवा के मूल का चूर्ण, 1/2 ग्राम हींग व 1 ग्राम काला नमक गर्म पानी से लें। मूत्र में अवरोध आने पर पुनर्नवा का 40 मिलीलीटर रस अथवा उतना ही काढ़ा पिएं। पुनर्नवा के पत्ते भाप कर पेड़ पर बांधें। 1 ग्राम पुनर्नवाक्षर गर्म पानी के साथ पीने से तुरंत फायदा होता है। पथरी होने पर पुनर्नवा की जड़ को दूध में उबालकर सुबह शाम पिएं। सूजन आने पर पुनर्नवा की जड़ का काढ़ा पिलाने एवं सूजन पर जड़ को पीसकर लेप करने से लाभ होता है। वषण शोथ अर्थात हाइड्रोसिल होने पर पुनर्नवा का मूल दूध में घिस के लेप करने से वृषण की सूजन मिटती है। पीलिया होने पर पुनर्नवा के पंचांग अर्थात जड़, छाल, पत्ती, फूल और बीज, इन पांचों को मिलाकर पंचांग बनता है, को शहद एवं मिश्री के साथ लें अथवा उसका रस या काढ़ा पिएं। पागल कुत्ते का विष खत्म करने के लिए सफ़ेद पुनर्नवा के मूल का 20 से 50 ग्राम घी में मिलाकर रोज पिएं। फोड़े फुंसी में पुनर्नवा के मूल का काढ़ा पीने से कच्चा अथवा पका हुआ फोड़ा भी मिट जाता है। अनिद्रा होने पर पुनर्नवा के मूल का 100 मिलीलीटर काढ़ा दिन में 2 बार पिएं।
संधिवात होने पर पुनर्नवा के पत्तों की सब्जी सोड डालकर खाएं। एड़ी में वायुजन्य वेदना होती हो तो पुनर्नवा तेल एड़ी पर घिसे व सेंक करें। योनि शूल में पुनर्नवा के हरे पत्ते को पीसकर बनाई गई उंगली जैसे आकार की लंबी गोली को योनि में रखने से भयंकर योनि शूल भी मिट जाता है। खूनी बवासीर में पुनर्नवा के मूल को पीसकर फीकी छाछ 200 मिलीलीटर या बकरी के दूध 200 मिलीलीटर के साथ पिएं। हृदय रोग में हृदय रोग के कारण जो सर्वांग सूजन हो गई हो, पुनर्नवा के मूल का 10 ग्राम चूर्ण और अर्जुन की छाल का 10 ग्राम चूर्ण 200 मिलीलीटर पानी में काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिएं। दमा की शिकायत में 10 ग्राम भारंग मल चूर्ण और 10 ग्राम पुनर्नवा चूर्ण को 300 मिलीलीटर पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। 50 मिलीलीटर बचे तब सुबह शाम पिएं। हाथी पांव होने पर 50 मिलीलीटर पुनर्नवा का रस और उतना ही गौमूत्र मिलाकर सुबह शाम पिएं। जलोदर होने पर पुनर्नवा की जड़ के 2 से 3 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ खाएं। इस तरह से पुनर्नवा के अनेकों अनेक गुण हैं, जिसमें आपको कोई भी बीमारी हो आप पुनर्नवा का इस्तेमाल करके उसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे? वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और शेयर करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट द्वारा जरूर पूछें, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।